हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नागालैंड के एक ऐसे खूबसूरत प्लेस के बारे में बताऊंगा जिसका आधा भाग इंडिया में और आधा भाग म्यांमार में पड़ता है और यहाँ के लोगों को दोनों ही देशों की नागरिकता प्राप्त है। इसके साथ ही नागालैंड के उन प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो कि घूमने और देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। नागालैंड कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुकें और वहां के फेस्टिवल्स के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेवन सिस्टर्स में से एक नागालैंड बेहद ही खूबसूरत राज्य है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और इसकी सबसे बड़ी सिटी डीमापुर है। भारत में सबसे अधिक फेस्टिवल्स नागालैंड में मनाए जाते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड मोस्टली अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ की संस्कृति और यहाँ की वेशभूषा देखने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़कर देश के किसी भी कोने से अगर आप नागालैंड जाते हैं तो सबसे पहले आपको दीमापुर जाना होगा। नागालैंड के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में दीमापुर का विशेष महत्व है। यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखने को मिलेंगे। रंगा पहाड़ अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यह दीमापुर का राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ साथ खूबसूरत पक्षियों को भी देख सकते हैं जो कि इस प्लेस की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती हैं। कोहिमा नागालैंड का बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए सैनिकों की याद में एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है जिसे कोहिमा युद्ध स्मारक कहते हैं। यह युद्ध स्मारक कोहिमा आने वाले टूरिस्टों को बहुत अधिक संख्या में अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा कोहिमा सिटी की नेचुरल ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सिलोई लेक वर्धमान घाटी के बीच स्थित एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। यह पटकाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस लेक को वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक बच्चे की पवित्र आत्मा इस लेक में रहती है। फिशिंग लवर्स के लिए यह लेक उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है। घोसू पक्षी अभ्यारण्य नागालैंड का बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्लेस है। इस अभ्यारण्य में 20 से अधिक प्रजाति के लुप्त प्राय पक्षी देखे जा सकते हैं। यह एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसकी सेफ्टी और मेंटेनेंस यहाँ के स्थानीय निवासियों पर है। यहाँ के पक्षियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। लोंगोवा नागालैंड के मौन जिले में स्थित एक गाँव और प्रमुख पर्यटन स्थल है। लोंगोवा का आधा भाग इंडिया में और आधा भाग म्यांमार में है और यहाँ के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त है। लोंगोवा की नेचुरल ब्यूटी टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देती है। लोंगोवा में बहने वाली नदियाँ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यहाँ पर चार नदियाँ बहती हैं, इनमें से दो नदियाँ भारत में और दो नदियाँ म्यांमार में बहती हैं। फ्रेंड्स, नागालैंड को त्योहारों की भूमि यानी लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड में वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मनाया जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ की कला, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। यह फेस्टिवल यहाँ की सभी 17 जनजातियों द्वारा मिलकर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नागालैंड जाने के बेस्ट टाइम की। वैसे तो फ्रेंड्स, पूरे साल भर आप नागालैंड घूमने जा सकते हैं, लेकिन नागालैंड घूमने का सबसे बेस्ट टाइम सर्दियाँ हैं, क्योंकि सर्दियों में आप वहाँ के नेचुरल ब्यूटी का आनंद अच्छे से ले सकते हैं। बरसात के सीज़न में नागालैंड जाने से बचें, क्योंकि बरसात के सीज़न में यहाँ भारी बारिश होती है। फ्रेंड्स, बात कर रहे थे यहाँ के होटल्स की, तो नागालैंड में हर जगह अच्छे होटल्स मौजूद हैं। आप यहाँ अपने बजट के अनुसार कहीं भी रुक सकते हैं। नागालैंड में 5 स्टार और 7 स्टार होटल मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप 5 स्टार या 7 स्टार होटल पहले प्रेफर करने वाले व्यक्ति हैं तो आप नागालैंड जाने से पहले ऑनलाइन होटल बुक करके जाएँ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नागालैंड कैसे जाएँ। तो आपको सबसे पहले दीमापुर जाना होगा। दीमापुर नागालैंड की सबसे बड़ी सिटी है। नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दीमापुर में ही है। दीमापुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। दीमापुर एयरपोर्ट केवल गुवाहाटी एयरपोर्ट से कनेक्ट है। अगर आप अपनी जर्नी फ्लाइट से करना चाहते हैं तो आप पहले गुवाहाटी जाएं। गुवाहाटी से आप दीमापुर फ्लाइट से जा सकते हैं। नागालैंड जाने का बेस्ट वे ट्रेन है। दीमापुर रेलवे स्टेशन देश के सभी मेजर रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।